हमीरपुर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा अपराधी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी मौदहा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सिसुलर राकेश पांडेय व स्वॉट टीम नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना सिसुलर के स्थल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूसी स्थित खदान खंड माग्र संख्या 3 में ट्रक चालक अरुण रैदास पुत्र हरिश्चंद्र रैदास निवासी मोहल्ला सर्वोदय नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया। हमीरपुर से यूपी 24 न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 20/6 को थाना सिसुलर में घटना हुई थी, जिसमें एक खदान में जो भूसी खदान है उसमें 3 नंबर खदान में एक अरुण कुमार नाम के जो ट्रक ड्राइवर थे, उनकी गोली मार के किसी बात को पास होने को लेकर गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसमें जो ट्रक ड्राइवर उनके पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 13-302 और 120 IPC में। और उसके बाद में इसमें सारी चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और इसमें 2 लोगों को पहले इसमें जेल भेजा जा चुका है, जिसमें एक खदान के जो मैनेजर है मिथिलेश राय और एक है अनुभव सिंह, जो उस दिन वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उसके बाद में वहाँ से भाग गए थे। उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने पहले जेल भेज दिया। आज इसमें जो मेन मुझे जिसने गोली चलाई थी घटना के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है आशुतोष शर्मा और उनके पास में से एक DBBL और उसमें एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल, जो कि घटना के बाद में उन्होंने गिरफ्त किया था अपना घटना भागने के लिए, उसको बरामद किया गया है। और साथ ही साथ जिस DBBL गन की लाइसेंस से सुधार थी, जिसको कि विजेंद्र नाम के व्यक्ति है उनके पास, विजेंद्र सिंह और चच्चू के उनके पास में उसका लाइसेंस था, ये इनकी डबल बैरल गन थी, इसी का इस्तेमाल इस घटना में किया गया था, तो उनको भी 30 सेक्टर में कार्रवाई करके उनको भी इसमें जेल भेजा गया है। इस तरीके से आज 2 व्यक्तियों को इस घटना में जेल भेजा गया और उसमें घटना का खुलासा किया गया। घटना का जो कारण था इसकी जानकारी पुलिस में जो अब तक की जो विवेचना है उसमें प्रकाश में आया कि उस दिन जो ट्रक था वहाँ से निकला खदान से, तो उसके बाद में उसको लेवल करने की कार्रवाई की जाती, वहाँ पर पहले 30 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में उसमें जो ये आशुतोष है इसमें 30 रुपये के बजाय 50 रुपये मांगने की बात हुई और इसी में ट्रक ड्राइवर और इन दोनों आपस में आशुतोष में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान फिर उन्होंने गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और भी इसमें सारी चीज़ों की जांच की जा रही है कि कोई और कारण तो नहीं था कि घटना वहाँ पर इस तरह की छोटी बात के लिए मतलब जैसी घटना हो गई, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन अभी भी 4 लोगों को अभी हमने इसमें जेल भेज दिया है। आगे किसमें जाँच की जाएगी, पुलिस में और भी तत्व प्रकाश में आएंगे।